यार कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ही अंधे हो रखे हैं ये तो। गाड़ियां आ रही हैं एक दो गाड़ियां, तो इनके भरोसे थोड़ा चले जा रहे हैं, तो आगे वही गाड़ी है उसके हल्के हल्के वो थोड़ी सी आगे हो गई। ये तो भाई इसमें अगर आपके आगे पीछे गाड़ियां नहीं हो ना तो आप निकल ही नहीं सकते, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है। अब मैं इसको ओवरटेक करूंगा। अब ये देखो, ये इसकी हरकतें देखो, ये देखो, ये देखो इसकी हरकतें। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है गाइस बताओ। तो गाइस मणिकरण के दर्शन करके हम लोग आ गए अभी रिवर गार्डन में, यहीं पे हमने लंच किया था, तो यहाँ पे एक एक चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। अभी टाइम हो गया है 4:30, तो 12 घंटे करीब का रास्ता दिल्ली का, तो जैसा भी होगा अभी चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। बाकी भाई मस्त है यहाँ के नज़ारे, आप लोग आओ तो ये होटल आप लोग ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मेरे को प्रमोशन के लिए बोला है, मैं यहाँ पे स्टे भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई चाय और चाय के साथ ये पार्वती नदी का व्यू और सामने का वैली व्यू, गजब यार गजब। तो गाइस चीयर्स, मस्त है भाई मस्त। तो गाइस टाइम 5:16 और ये वो प्रॉपर्टी है जो मैं बता रहा था, रिवर गार्डन कैफे एंड होटल, काफ़ी अच्छा है। बाकी भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, 10-12 घंटे का रास्ता है। अगर रास्ते में मंडी के वहाँ पे रास्ता वस्ता बंद नहीं हुआ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अदरवाइज़ ये है। माहौल बहुत बढ़िया भाई कसोल का, लेकिन हम स्टे नहीं कर रहे, हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। हमें 3-4 दिन हो गए, मनाली में भी खूब एंजॉय किया और यहाँ भी खूब एंजॉय किया, मणिकरण के भी आप लोगों को दर्शन करवाए। तो बाकी रास्ते में कुछ होगा तो आप लोगों को जरूर दिखाता चलूंगा। गाइस एक बार इन रोड्स और इन नज़ारों का आनंद ले लो, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो उसके बाद इन नज़ारों का आनंद हम लोग नहीं ले पाएंगे और आपको भी नहीं दिला पाएंगे। तो ऐसे कुछ रोड्स हैं भाई और ऐसे कुछ नज़ारे हैं मस्त। तो गाइस टाइम हुआ है 6:15 और हम लोग पहुँच गए हैं कुल्लू। तो अब यहाँ से रास्ता भाई बहुत बढ़िया है, बस जो कुल्लू टनल है उसके बाद और मंडी तक वहाँ पे मेरे को थोड़ा खतरा लगता है, क्योंकि वो ब्लास्टिंग करते हैं तो गाड़ियों को रोक देते हैं, तो बस फिंगर क्रॉस्ड कि गाड़ी ना रोके, नहीं तो भाई एक एक दो दो घंटे तक स्टॉप कर देते हैं गाड़ी को। अदरवाइज उसके अलावा रोड काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब ये इधर आप लोगों को दिख रहा है कुल्लू शहर है, तो इसके बार बार ही ये पूरा हाईवे बना दिया है। तो गाइज ये देखो, ये देवता जा रहे हैं यहाँ पे, किसी गाँव के देवता एक मंदिर से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये लेके जा रहे हैं मेन हाईवे पे। तो भाई ये बहुत बड़ा उत्सव होता है हिमाचल में और उत्तराखंड में भी, ये जय देवता की। ये देखो गाइस, जय हो जय हो जय हो, ये देखो कितने सारे। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे हिमाचल में। तो गाइस हम हैं कुल्लू टनल के अंदर और भाई पता नहीं इसमें इतनी धूलम धूल हो रखी है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये गाड़ियां आप लोगों को दिख रही हैं, आ रही हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल ही। ये देखो बिल्कुल ही ब्लाइंड है बिल्कुल ही। ये कैमरे में है ना थोड़ा बहुत फिर भी दिखाई दे रहा है, मैं अभी जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कैमरे में, लेकिन रियली में है ना देख रहे हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ये तो भाई बहुत गलत सी बात है, फोग तो है नहीं, ये धूल ही है इसके अंदर इतनी सारी। तो गाइस टनल के अंदर ही चल रहे हैं हम, तो मैं धीरे धीरे चल रहा था, ये ऑल्टो वाला आगे निकाल के ले गया, ऐसे हंसा कि भाई भगाऊंगा, अब आगे इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग देख लो कैमरे में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या वैक्यूम काम नहीं कर रहा है इसमें या क्या रीजन है, इतनी धूल हो रही कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो भी मेरे आगे जाके बिल्कुल ही धीमे धीमा हो गया, मैं कहा जा भाई तू आगे जा, हमें तो अच्छा ही है आगे, हमें कम से कम कुछ रास्ता दिखाने वाला तो मिलेगा। यार कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ही अंधे हो रखे हैं ये तो। गाड़ियां आ रही हैं एक दो गाड़ियां, तो इनके भरोसे थोड़ा चले जा रहे हैं, तो आगे वही गाड़ी है उसके हल्के हल्के वो थोड़ी सी आगे हो गई। ये तो भाई इसमें अगर आपके आगे पीछे गाड़ियां नहीं हो ना तो आप निकल ही नहीं सकते, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फोग तो ऑब्वियसली है नहीं, क्योंकि बाहर फोग नहीं है, इसके अंदर इतनी धूल कहाँ से आ गई। अब देखो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गया हूँ मैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है यार। और ये टनल है ना ऐसा नहीं कि छोटी टनल है, ये काफी लंबी टनल है, इतनी जल्दी क्रॉस भी नहीं हो सकती है। ये देखो गाइस आगे आप लोगों को दिख रही है गाड़ी या नहीं दिख रही, मुझे तो पता नहीं, कैमरे में फिर भी थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन वैसे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। तो भाई अगर गवर्नमेंट देख रही है, हिमाचल गवर्नमेंट थोड़ा सुनो, ये क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा करो यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, इसमें तो एक मिनट में एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ही बुरा। तो गाइस फाइनली बाहर आ गए भाई,
टनल से, और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहां से बाहर निकल गए यार, एक धूल भरी भरी गुफा के अंदर घुस गए और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अंदाजे से ही चल रहे थे। थोड़ा रिलीफ मिला यार, बिल्कुल ही आधी हो गई यार, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइस 7:55 और हम पहुंच गए मंडी, ये मंडी का बस स्टैंड है। और लकीली आज हम लोगों को नहीं रोका, ये रोड का काम कर रहे हैं जो ब्लास्टिंग का कर रहे हैं कुल्लू टनल से लेके मंडी के बीच में, तो लकीली भाई निकल आए। टाइम 7:55 हुए हैं। तो गाइस टाइम हुआ है 9:09 और हम लोग पहुंच गए हैं बिलासपुर, और यहाँ पे द हिमाचल कैफे एंड रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी है, यहाँ पे थोड़ा डिनर करेंगे। और जब मैं आ रहा था तो गाइस यहाँ पे है ना फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, तो उनकी स्ट्राइक चल रही थी, ट्रक वगैरह नहीं चल रहे थे, तो उसकी वजह से ड्राइविंग काफ़ी ईजी थी। तो जाते वक्त भी मेरे ख्याल से स्ट्राइक चली रही है, तो ट्रक वगैरह है नहीं करे भाई। तो गाइस सामने लिखा हुआ है आई लव हिमाचल, रियली आई लव हिमाचल, और ये द हिमाचल कैफे एंड रेस्टोरेंट बिलासपुर में। अभी इसमें खाना खाएंगे और फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा खाना है इसका। तो गाइस डिनर हो गया है द हिमाचल कैफे एंड रेस्टोरेंट में, और भाई बटर चिकन और रोटी खाई हमने, बहुत टेस्टी था। और रेट भी इसके बहुत जायज़ है, 380 रुपये का ही फुल था, मतलब सारी चीज़ों के ही रेट बहुत जायज़ है। तो ये हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी है, लेकिन प्राइवेट है, हालांकि ये रेस्टोरेंट ये प्राइवेट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हिमाचल टूरिज्म की है, इन्होंने लीज पे ली हुई है, तो शायद इसलिए रेट बहुत जायज़ है। आप लोग आओ तो ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बिलासपुर में है ये। तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं, खाना खा के मज़ा आ गया भाई। टाइम 9:56 और भाई दिल्ली है अभी 374 किलोमीटर, 6:21 और लगेंगे। अभी हम लोग बिलासपुर में हैं, तो 35-40 किलोमीटर के पहाड़ और बचे हुए हैं, फिर प्लेन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है। बाकी ट्रक नहीं चल रहे, तो ड्राइविंग है ना थोड़ी अच्छे से हो पा रही है, नहीं तो इस पे तो ट्रकों की लाइन लगी रहती है और जैम भी बहुत ज़बरदस्त लगता है कई बार। तो गाइस ऐसे पागल लोगों से है ना ये दुनिया भरी पड़ी है। ये है HP 9000 5000, अब ये बंदा मैंने इससे आगे निकाली, पता नहीं इसकी ईगो हर्ट होगी, ये भाई ये पूरे पंगे ले रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि जाने दे, मैं इसके जैसे बराबर में ओवरटेक करता हूँ, ये पूरी तेज भगा ले जा रहा है पूरी तेज। मैं कहा भाई जा, रात के 11 बज रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से बच के रहो, ये मेंटल है, ये घर से फालतू फिर रहे हैं। भाई देखना अभी मैं इसे ओवरटेक करूंगा और इसकी हरकतें देखना, ये देखना पूरे पंगे ले रहा है भाई पूरे। बताओ क्या करें ऐसे लोगों का, आप लोग बताओ क्या इलाज है ऐसे लोगों का। कोई इलाज नहीं है भाई, अभी पहाड़ खत्म होने वाले हैं, बहुत बढ़िया ट्रिप रही, शांति से अपने घर जाएंगे, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए अवॉइड। अब देखो ये फाइनली हमें इंडिकेटर दे रहा है, अब मैं इसको ओवरटेक करूंगा। अब ये देखो ये इसकी हरकतें देखो, ये देखो ये देखो इसके अंदर। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है गाइस बताओ, अब मैं इसको ओवरटेक करूं, ये भी आप खुद भी भिड़ेगा ये, और ये मेरे को भी भिड़ाएगा, क्या कैसे लोग हैं यार पता नहीं इस जान में। तो गाइस फाइनली पहाड़ हो गए हैं खत्म और प्लेन आ गया है भाई, वो बंदा ऐसे ही जा रहा है, चलो छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो भाई सी यू हिमाचल, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, जय बाबा की। ये धनुष देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, 12:30 हुए हैं और हम पहुंच गए अम्बाड़ा। तो 5:30 हम लोग कसोल से निकले थे, तो 7 घंटे में हम लोग पहुंच गए, तो अच्छी खासी स्पीड है क्योंकि ट्रक नहीं चल रहे थे बिलासपुर से फैक्ट्रीज की स्ट्राइक थी, उस वजह से काफी अच्छे टाइम से हम लोग पहुंच गए। तो अभी भाई 3-3.5 घंटे और लगने चाहिए हमें रोहिणी तक के। तो गाइस सारी एवरेज जो स्पीड चल रही थी वो भाई ख़राब हो गई यहाँ पे। अभी हम लोग करनाल पहुँचने वाले हैं और जैम लगा हुआ है ज़बरदस्त, आगे पता चलेगा किस बात का जैम लगा हुआ है। तो 15-20 मिनट तो हो गई हमें जैम में फंसे हुए। तो गाइस ये देखो, वैसे मैं वही सोच रहा था इस पे जैम लगता नहीं है इतना जल्दी, ये ट्रक भाई पलटा हुआ है बिल्कुल रोड के बीचों बीच में, और मिट्टी का भरा ट्रक है, सरिये का भरा ट्रक है सॉरी, और पुलिस वाले खुलवा रहे हैं। थैंक यू पुलिस वालों जी, रात को 1 बजे आप लोग हमारी सेवा में खड़े हो, थैंक यू सो मच।
सनराइज टाइम 1:17 और हम लोग रुके हैं अभी सितारा मन्नत हवेली पे। अभी 30 किलोमीटर पे करनाल है। अभी एक दो चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो गाइस चाय पी ली है, थोड़ी फ्रेशनेस आ गई भाई। 1:30 हो गया, अब सीधे दिल्ली पहुंच के ही रुकेंगे भाई। जय माता दी। तो गाइस दिल्ली पहुंचना है ना मुश्किल हो गया है। KNP पे हम लोग और फिर से जाम मिल गया और भयंकर वाला जाम है। 3:07 हुए हैं तो पहुंचने वाले थे, पर जबरदस्त जाम है भाई, जबरदस्त। पता नहीं अब यहाँ पे किस बात का लग गया। तो गाइस फाइनली निकल गए ट्रैफिक जैम से। पुलिस वाले भाई लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, सारे ट्रकों को रोका हुआ था, इस वजह से इतना लंबा जैम लगा हुआ था। 3:17 हो गए तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस 3:51 और हम पहुंच गए भाई दिल्ली अपने घर पे, और इस ट्रिप को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को ट्रिप कैसी लगी ये लाइक और सब्सक्राइब करके बता दो, और भाई आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय माता दी, गुड नाइट। आप भी सो जाओ, हम भी सो रहे हैं। जय माता दी।